हेलो एवरीवन, तो फाइनली कॉलेज स्टूडेंट्स का लंबा इंतज़ार और कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालय को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्देश दिया था, लेकिन कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था और कहा था कि हमारी परीक्षाएं रद्द कर दीजिए और छात्रों के प्रीवियस परफॉर्मेंस और इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर मार्क्स दीजिए। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इस फैसले पर मुहर लगा दी है और सभी कॉलेजेस को और सभी राज्यों को अपने अपने राज्यों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवानी होंगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, एमपी जैसे राज्यों ने जिन्होंने इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया था उन्हें इस पर झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट का फाइनली ये डिसीज़न आ गया है कि यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य एग्ज़ाम रद्द नहीं कर सकते। फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को पास नहीं किया जा सकता है। राज्यों को 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराने होंगे और जो राज्य 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के इच्छुक नहीं हैं उन्हें यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी, जिस पर आगे फैसला यूजीसी लेगी। और उन्होंने यूजीसी के सर्कुलर को सही ठहराते हुए ये कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को ध्यान रखते हुए परीक्षा स्थगित कर सकते हैं लेकिन उन्हें रद्द नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें यूजीसी के साथ सलाह मशविरा करके अपनी नई तिथियां तय करनी होंगी। तो ये थी आज की फाइनल अपडेट। ऐसे ये क्लियर हो गया है कि परीक्षाएँ तो ज़रूर होंगी और कब होंगी, किस तरह से होंगी, MCQ आएंगे या क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सब आगे आपको बताया जाएगा और UGC इस बारे में फैसला लेगी। तो इसी तरह की अपडेट, एग्ज़ाम से जुड़ी और भी अपडेट जानने के लिए अगर आपने अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।